कृष्ण लल्ला के जन्मोत्सव पर सुजानपुर का सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर बंद रहेगा। रोजाना की तरह मंदिर प्रबंधक पूजा पाठ आरती का आयोजन करेंगे। लोगों की आवाजाही मंदिर में नहीं होगी। लोग बाहर से ही पूजा अर्चना करके बांके बिहारी का दीदार करेंगे। बताते चले कि कोविड-19 के चलते देश भर के देवालय मंदिर प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में लोग इस उत्सव में मंदिरों की ओर ना करें, इसलिए सुजानपुर प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में लोगों से आह्वान किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन अपने अपने घरों में करें, वहीं पर पूजा पाठ करें ताकि अत्यधिक भीड़ इकट्ठी ना हो। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव सुजानपुर के सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित होता है, जिसमें भगवान को पालने में डालकर स्थानीय लोग एवं अन्य दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोग झूला झुलाकर विशेष पूजा में हिस्सा लेते थे और मंदिर में खासी रौनक देखने को मिलती थी। वर्तमान में परिस्थितियां सही नहीं है, ऐसे में इस बार भगवान का जन्म महोत्सव भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। सुजानपुर का ऐतिहासिक जो मुरली मनोहर मंदिर है, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहां पे माथा टेकने के जन्माष्टमी के उत्सव पे जो मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये जो पर्व है, ये जो हिंदुओं का जो त्योहार जो है, आज फीका ही नजर आ रहा है। क्योंकि इस मंदिर में ना तो जहाँ पे झूला की व्यवस्था यहाँ पे मंदिर पुजारियों के द्वारा की जाती थी, लेकिन ये मंदिर आज सूना ही लगता नजर आ रहा है। क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौर में प्रशासन ने मंदिर खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इस महामारी के दौरान जहाँ पे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए लोगों को अंदर जाके जो मंदिर का गर्भ द्वार है, वहां पे जो कृष्ण और राधा की मूर्ति विराजमान महाराजा संसार के समय में विराजमान है, वहां पे आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज हम पूछेंगे जो मंदिर के पुजारी हैं, क्या कहेंगे मंदिर के पुजारी सर, क्या मंदिर की विशेषता है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये जो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, युगों युगों से मनाया जाता है। जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो कि पूरे विश्व में ही महामारी चली हुई है कोरोना करके, तो इसकी वजह से इस बार मंदिर को बंद रखा गया है, लेकिन बाहर से लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और ये पहली बार हमारे जीवन में भी और लगभग कई वर्षों में पहली बार ही ऐसा जो कार्य हुआ जिससे मंदिर बंद हुए। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि जब ब्रह्मा के चार पुत्र सनक सनंदन संत कुमार भगवान के दरबार में, विष्णु भगवान के दरबार में जा रहे थे, तो उनको जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको रोक दिया था। भगवान के दरबार में रोकना भी दोषयुक्त है, इसलिए भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो थे वो राक्षस कुल में पैदा हुए, रावण और कुंभकर्ण करके और कंस और जरासंध करके, इसलिए भगवान के दर्शन जो है कोई भी रोक नहीं सकता करने से। इसलिए जो भी दूर से दर्शन भगवान के कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका कोई उपाय नहीं है, अभी तक कोई दवाई नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, इसलिए इसका प्रशासन द्वारा भी इसका ये सूचना है कि बंद रखा जाए, तो इसलिए इसको बंद रखा गया है। जय श्री राम। आज हमने मंदिर के पुजारी से बात करी है कि इस मंदिर में कोविड-19 महामारी के दौरान जो पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस मंदिर का जो जन्माष्टमी के उत्सव पर यह मंदिर बंद हुआ है, कई वर्षों से दर पीढ़ी दर ये जो परिवार है ये भगवान कृष्ण की सेवा करता नजर आ रहा है। आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के पर्व पर क्या सी तैयारियां इस मंदिर में, मंदिर जो प्रशासन है या मंदिर के पुजारी कैसे की गई है। एक तो हम देखेंगे कि इस मंदिर की जो घंटी है जिसको मुख्य द्वार पर बजाया जाता था, लेकिन इसको कोविड-19 महामारी के दौरान इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दूसरी बात हम बताएंगे कि इस मंदिर के जो दर्शन होंगे वो मात्र यहीं से लोग जो है, जो काफी संख्या में लोग जो मंदिर में शाम के समय आएंगे, तो इस मंदिर में दर्शन जो है यहीं से किए जा पाएंगे, आगे इस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी। जो रात्रि के कार्यक्रम है वो पुजारी द्वारा किया जाएगा, जन्म उत्सव मनाया जाएगा और कथा वगैरह नहीं होगी। इस बार में कि काफी लोग बैठते थे, तो सभी जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं थोड़ा खुद ही विचार करें और अपना भी ध्यान रखें, और सभी का ध्यान रखते हुए इस जो कष्ट की बेला है तो इसमें सब सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें, समाज का भी सहयोग करें, मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, और भगवान की कृपा हुई तो ये बीमारी जल्दी से जल्दी
ठीक हो जाएगी और सबका ही कल्याण होगा। भगवान भगवान श्री कृष्ण जो है सारे कष्टों को दूर करते हैं, सारे भक्तों को सुख देते हैं और भगवान ही इस महामारी से हमें पार उतारेंगे। और जैसे कि आज श्री भगवान श्री राम जी का मंदिर भी तैयार हुआ, बहुत बड़ी बात है। आज जो कि भगवान राम जन्मभूमि थी वहाँ पर भी भगवान श्री राम जी को स्थापित किया गया, ये बहुत खुशी की बात है। और आज सारा हिंदू समाज जो है इससे भी खुशी मना रहा है और हिंदुओं को प्रेम पूर्वक सबसे सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारा बड़े प्रेम से सब रहे। और सबको जय श्री कृष्ण नारायण हरि। आज हमने जो मंदिर के पुजारी थे उनसे बात की कि COVID-19 महामारी के दौरान बचने के लिए एक तरफ तो ये मंदिर का रास्ता खोल तो दिया गया है, लेकिन अधूरा ही खोला इस मंदिर प्रशासन के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा अधूरा ही खोला गया है, जिसमें मंदिर के दर्शन करने के लिए मात्र गेट के मुख्य द्वार तक ही लोगों को आकर दर्शन करके लौटना पड़ेगा और दूर से ही माथा जो है यहाँ पे टेक कर जाना पड़ेगा। और इस बार जो कथा कृष्ण की हर साल जो सुनाई जाती थी वो भी इस बार कथा जो है राधा कृष्ण मंदिर में नहीं होती नजर आएगी। सभी लोग भगवान से यही दुआ करते नजर आ रहे हैं कि COVID-19 महामारी का जो अंत है वो जल्दी से हो जाए, ताकि भविष्य में ये जो मंदिर है और द्वार है खुलते नजर आए। राजन मेहता एस टुडे के साथ।